Hello friends, welcome to Let's Crack UPSC CSE. This is me, Dr. Sidharth Arora, and friends, welcome back to Mission-Mussoorie Polity Series for UPSC CSE 2021-22. So, this series, kya hai, sir? Iska naam Mission-Mussoorie isliye rakha gaya because main chahta hoon ki tumhara sapna pura ho. Tumhara mission should be reaching the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, which is at Mussoorie. Problem ye hai ki majority of the students, majority matlab real majority of the students, सिर्फ यूपीएससी सीएसई का फॉर्म भर देते हैं. वेरी गुड, लोगों को बता दें जी मैं तो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन दे रहा हूं. लोगों को उम्मीद बढ़ा देते हैं, अपने पेरेंट्स की उम्मीद बना देते हैं, बट दे फॉरगेट दैट लार्ज अमाउंट ऑफ स्ट्रैटेजिक, बहुत टैक्टिकल एज स्ट्रैटेजिक प्रिपरेशन की जरूरत होती है अपार्ट फ्रॉम हार्ड वर्क, राइट. तुम्हें मालूम होना चाहिए कैसे पढ़ना है, कहाँ से कौन सा टॉपिक ज़्यादा डिटेल में करना है, कौन सा टॉपिक छोड़ देना है, कौन सा एमसीक्यूज ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, कब आंसर राइटिंग करनी है, कब करंट अफेयर्स पे फोकस करना है, एंड इफ यू आर राइटिंग एन आंसर कितना उसमें पॉलिटी होना चाहिए, कितना उसमें फिलॉसफी होना चाहिए, एंड एन नंबर ऑफ थिंग्स. इसलिए एक स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन की जरूरत है. और वहीं पर मैं आता हूँ. मैं क्यों आता हूँ सर? इसलिए आता हूँ बिकॉज आई एम अलाइव टू द नीड्स ऑफ माई एस्पिरेंट फ्रेंड्स. मेरा सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि मैं जितनी पॉसिबल मदद कर सकूँ तुम्हें टू रीच योर एम, टू मेक your chances of cracking this exam into a realistic chance, वो मैं करूँगा. और इसी sequence में मैंने एक चीज़ notice की that over the last few years, UPSC civil service examination का एक integral part होता जा रहा है Supreme Court judgments, which is good, but the problem with Supreme Court judgments is that number one, the Supreme Court judgments is the highest law of the land, obviously. So what happens because of this? That the language that is used in Supreme Court judgments वो normal, as in the non-legal background वाले लोगों के लिए बहुत मुश्किल होती है. Even amongst lawyers, constitutional lawyers को ये easily decipher हो जाता है, rest of them के लिए वो भी मुश्किल हो जाता है. Now majority of you are not coming from legal background, so the problem in understanding the language is used. Next is another problem. Problem here is that if you look at an average Supreme Court judgment, it runs into a few hundred pages. On an average, 400 plus pages hote. To kuch 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1500 tak ye judgments hote. But if I take an average of 400 also, main 25 important judgments karne ko tumhe bolun, I hope you realize that you are falling into a trap of about thousands and tons and reams of paper. तो इस सब बड़ी टेंशन की बात है. अरे टेंशन कुछ नहीं, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, नथिंग टू वरी, राइट. आई विल बी विद यू, डोंट वरी ऑन दिस पाथ. सो आज इसी सीक्वेंस में मैंने पहले जजमेंट 1, 2, 3 and 4 किया है. सो मेक श्योर दैट यू वॉच दोज वीडियोज, वो सब फ्रीली अवेलेबल है ऑन यूट्यूब. मेक श्योर दैट यू टेक रिटन नोट्स ऑफ देम एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड देम. जो स्टूडेंट मुझसे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो उसको कनेक्ट कर पाएंगे टू द स्टार्टिंग पार्ट ऑफ पॉलिटी. जो नहीं ज्वाइन कर चुके हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू टू जॉइन मी ऑन अनअकैडमी. एंड इसी सीक्वेंस में आज हम करेंगे मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1978. दिस ब्रॉट टू यू बाय डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा, सिड लाइव, SIDLIVE. मुझे अनअकैडमी चैनल पर सिड लाइव नाम से जाना जाता है. और ये तुम्हें याद रखना है वेन एवर यू टेक एन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ऑफ द प्लस क्लासेस. बहुत सारे लोग अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के नाम से बोल देते कि सर पता नहीं क्यों पैसे लिए जा रहे हैं. बेटा इट इज़ अ वेरी ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू टू गिव योरसेल्फ अ रियलिस्टिक चांस ऑफ पासिंग दिस एग्जाम, बिकॉज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का किंग है ये. इट इज़ द इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म. और यहाँ पर तुम्हें डेली लाइव क्लासेस मिलेगी. जब 1-to-1 पढ़ते हो ना बेटा टीचर के साथ, एक बड़ा ही डिफरेंट एडवांटेज होता है, एक डिफरेंट एनवायरमेंट बनता है. यू रियली अंडरस्टैंड इन अ वेरी डिफरेंट फॉर्म. स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होते हैं. मैं जब अपना कोर्स बनाता हूँ तो कितने दिन सोचता हूँ कौन सा टॉपिक कब पढ़ाया जाए, कितना पढ़ाया जाए, कब टेस्ट लिया जाए, कब रिवीजन किया जाए. ऑल दोस एक्चुअली हेल्प यू क्रैक योर एग्जाम. एग्जाम सेंट्रिक प्रिपरेशन के लिए देर आर लाइव टेस्ट एंड क्विजेस एंड देर इज अनलिमिटेड एक्सेस. अनलिमिटेड एक्सेस मतलब भाई हो सकता है यू आर हार्ड वर्किंग पीपल बट तुम्हारे पास टाइम नहीं है. ओके, तो यू आर नॉट गेटिंग द टाइम टू डू दिस. There is always a possibility कि तुम कहीं work कर रहे हो, you are at home, but you have commitments towards the family and so on and so forth. कोई problem नहीं, at your convenience, you can watch the downloaded videos anytime. So this is a huge opportunity. Download the Unacademy learning app. अच्छा दूसरी एक और बात, if you want to connect with me, please, you're most welcome to connect with me on Telegram. ये रहा उसका link. और मैं तो वैसे tech savvy हो गया हूँ, तो अगर तुम्हारे पास मोबाइल कैमरा है तो जस्ट टेक स्कैन ऑफ दिस कोड
एंड यू कैन ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम. तो कुछ भी अपडेट्स होते हैं, कुछ एमसीक्यूज होते हैं, कुछ करंट अफेयर्स होता है, ऑलवेज शेयर इट विद माय स्टूडेंट्स. सो ये है द बेस्ट ऑफ द एजुकेटर्स अंडर वन प्लेटफॉर्म. ऑल द सब्जेक्ट्स प्रीलिम्स से लेकर मेन से, मेन से लेकर ऑप्शनल, ऑप्शन से लेकर इंटरव्यू तक, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन वन प्लेटफॉर्म. और सबसे इंटरेस्टिंग, इट इज़ वेरी वेरी रीजनेबल. बहुत सारे लोगों को कंपैरिजन में मज़ा आता है, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, इट इज़ ह्यूजली रीजनेबल एज कम्पेयर टू व्हाट अदर इंस्टीट्यूट्स विच आर ऑफलाइन आर चार्जिंग. तो तुम 12 मंथ, 24 मंथ या 36 मंथ कोर्स कोई भी चूज कर लो. जो मेरे फ्रेंड्स 2021, 22 में अटेम्प्ट कर रहे हैं, टेक अ 12 मंथ और अ 24 मंथ कोर्स. इवन इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर 23, 24, सो यू हैव इनफ टाइम टू प्रिपेयर. तुम्हारे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, टेक अ 36 मंथ कोर्स. यूज द कोड सेट लाइव, SIDLIVE. यू कैन चूज अ प्लस कोर्स और एन आइकॉनिक कोर्स. आइकॉनिक कोर्स में तो तुम्हारे पास मेंटोर्स भी हो जाएंगे जो तुम्हें गाइड करते चले जाएंगे, व्हेन टू स्टडी, हाउ टू रिवाइज एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. अब ऑप्शनल्स आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन Unacademy. यू कैन टेक दैट. आइदर वेज यूज द कोड SIDLIVE, SIDLIVE. तुमको इमीजिएट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा. एंड वेलकम टू टीम SIDLIVE. यू आर अ वाइज गैंग ऑफ स्टूडेंट्स माई फ्रेंड्स. करियर बनाने के लिए कुछ राइट टाइम पर राइट डिसीजंस लेने चाहिए. टेक दोज डिसीजंस नाउ. सर कौन सा केस करेंगे? केस का नाम है मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, विच वॉज डिसाइडेड ऑन 25 जनवरी 1978. वेरी गुड. एक होती है इम्पॉर्टेंट जजमेंट, हाँ सर, जो आप पढ़ा रहे हो, एक होती है बहुत इम्पॉर्टेंट जजमेंट. वेरी गुड. सो मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया उन केसेस में शुमार है जिनको बोला जाना चाहिए लैंडमार्क केसेस. दोज आर द केसेस जो बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट्स है. जब तक यू आर अंडरस्टैंडिंग, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस का नाम रहेगा. ऐसा क्यों? पूरा का पूरा जुडिशियल इंटरप्रिटेशन चेंज हो गया बिकॉज ऑफ दिस केस. सो रियली रियली इन द ट्रूएस्ट सेंस पॉसिबल अ लैंडमार्क केस. और मैं तुम्हें, इतना बड़ा केस है लेकिन मैं उसको इतने शॉर्ट और इतने समराइज फॉर्म में बताऊंगा दैट यू विल अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ इट वेरी इजीली. सो जस्ट पे अटेंशन, पे क्लोज अटेंशन, फोकस ऑन ओनली ऑन द वीडियो. द वीडियो इज शॉर्ट बट इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं कर सकता ऑब्वियसली फॉर द lack of time that is available on YouTube. In case you want to understand this in detail and you want to connect it to static polity, I always welcome you to join my plus classes. But for this point, try and understand this. So history kya hai? Maneka Gandhi, and I hope everyone knows, she's the daughter-in-law of Madam Indira Gandhi, wife of late Mr. Sanjay Gandhi. Maneka Gandhi ma'am ko passport issue hua tha ऑन June 1, 1976. मोस्ट ऑफ यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस कि जब पासपोर्ट इश्यू होता है तो द लॉ विच इज बिहाइंड दैट लॉ, बिहाइंड द पासपोर्ट इज कॉल्ड एज पासपोर्ट्स एक्ट ऑफ 1967 में उनको एक लेटर आया फ्रॉम अ पास रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर और उन्होंने बोला कि उनका पासपोर्ट जब्त होगा, इम्पाउंड होगा अंडर सेक्शन 10(3)(c) ऑफ पासपोर्ट्स एक्ट. और उसके साथ लिखा हुआ था इन पब्लिक इंटरेस्ट. क्या बात करो सर, इन पब्लिक इंटरेस्ट उनका पासपोर्ट जब्त किया जा रहा है या सीज किया जा रहा है या इम्पाउंड किया जा रहा है, व्हाटएवर लैंग्वेज सूट्स यू, डजंट मैटर. तो उनको 7 days में बोला गया कि लेटर आ गया है मैडम, नोटिस आ गया, 7 days में आप सरेंडर कर दो. नाउ शी रिप्लाइड टू द रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर कि आप मुझे कुछ पता हो तो सही कि वाई आर यू इम्पाउंडिंग माई पासपोर्ट, वॉट इज द रीजन. ओके, सो द पॉइंट हेयर इज that she is not supposed to be provided any reason. What? Yes. So she was in clearly told that there is no point, we are not going to tell you a reason. In other words, she will not be given an opportunity to be heard. Okay. So ek problem ho gayi and she decided to challenge this in the Supreme Court. What are the grounds, sir? Grounds ye hai ki passports koi chhota sa kagaz ka tukda nahi hota. Matlab? पासपोर्ट का मतलब क्या होता है? पासपोर्ट गिव्स यू द फ्रीडम टू गो अब्रॉड एंड कम बैक वेन एवर यू वॉन्ट टू कम बैक टू इंडिया. इन अदर वर्ड्स, क्या ये एक टाइप की पर्सनल लिबर्टी है या नहीं? इन अदर वर्ड्स, इफ आई वॉन्ट टू ट्रैवल अब्रॉड, इज इट अ पार्ट टू विच इज कवर्ड अंडर आर्टिकल 21, दैट इज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में से? सोचने वाली बात है. सेकेंड, ये जो पासपोर्ट एक्ट है जिसके तहत मैडम मनेका गांधी का पासपोर्ट जब्त करने की बात हो रही थी, क्या उसमें कोई प्रोसीजर है कि
how or under what situation can you seize or impound a passport? This is question number 2. Question number 3 before the Supreme Court was, ye jo aapne section 10(3)(c) jiske under ye passport zabt ho raha hai, is it violating article 14, 19 and 21 of the constitution? And finally, ye jo order hai regional passport officer ka to impound the passport, is it in contravention of principles of natural justice? Maine previous videos mein principles of natural justice padhaya hua hai, maine previous videos mein article 21 padhaya hua hai, isi series mein. So make sure that you watch these videos. So krupa karke कनेक्ट करना सीखो. मैं फिर बार-बार बोलता हूं, यूपीएससी में फैक्ट्स के मार्क्स नहीं मिलते, कनेक्शन ऑफ फैक्ट्स के मार्क्स मिलते हैं. मैंने एक वर्ड बोला हुआ है, पॉलिटी मैट्रिक्स. मैट्रिक्स बनाओ, अदरवाइज द स्टोरी इज एब्सोल्युटली इनकम्प्लीट. तो मैं वे रटे जा रहे हो और टाइम वेस्ट किया जा रहा हूं. तो सर एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट कि ये जो वर्ड प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ लिखा हुआ है इन आर्टिकल 21, व्हाट इज द स्कोप ऑफ दीस वर्ड्स? सर ये हमने पहले भी कहीं पढ़ा है, बिल्कुल इसी सीरीज का पहला जजमेंट एके गोपालन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एक्चुअली एके गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का केस था. सो उस केस में भी ये क्वेश्चन उठा था. आई मीन द वेरी नेक्स्ट ईयर दैट इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक, और आज ये सवाल फिर सामने आ रहा है टू द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, व्हाट इज द स्कोप ऑफ द वर्ड्स प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, what a very pertinent question. So the point here is, what is the petitioner saying? What is Madam Maneka Gandhi petitioning or submitting before the Honorable Supreme Court? Dhyan se suno. Aur ye unki taraf se argument hai. Unki taraf se argument ye hai that the right to travel abroad can be understood from the word personal liberty. In other words, personal liberty will also cover ki main bahar jaun India ke aur wapas aa jaun. नंबर 2, पासपोर्ट्स एक्ट में कोई प्रॉपर प्रोसीजर नहीं दिया गया है, एंड दैट इज व्हाई इट इज अनरीजनेबल एंड आर्बिट्ररी टू यूज पासपोर्ट्स एक्ट टू इंपाउंड अ पासपोर्ट. वेरी गुड. अगर ऐसी बात है तो गवर्नमेंट ने जब इंपाउंडिंग का ऑर्डर दिया तो मेरी एक बात सुनी ली होती. दे शुड हैव गिवन मी एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन दैट व्हाई शुड यू नॉट इंपाउंड माई पासपोर्ट. इन अदर वर्ड्स, मुझे अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली है, और जब अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है तो मेरा राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, दैट इज आर्टिकल 21, इज बीइंग वायोलेटेड. दिस इज आई एम स्पीकिंग एज इफ आई एम द लॉयर टू मैडम मनेका गांधी. सो इन अदर वर्ड्स, अगर हमको इस केस का कोई रीजनेबल नोट फाइनल इसका एसेंस निकालना है तो सारा एसेंस इस बात पे है, लेट अस ट्राई एंड इंटरप्रेट आर्टिकल 21, its nature and protection. And since Honorable Supreme Court itself is the final interpreter of the Constitution of India, huge opportunity for the Supreme Court to explain ki procedure established by law actually hai kya and what is the scope of it. So another concept yahan par bola gaya, that this is very very strange, that itna arbitrary law hai that it is violating principles of natural justice. So we have to ensure that मुझे ओडी ऑल्टराम पार्टम, आई होप जितने स्टूडेंट्स मुझे पढ़ा हुआ है उनको इस बारे में बहुत कुछ मालूम है. ओडी ऑल्टराम पार्टम, दैट इज द राइट टू बी हर्ड, कम से कम उसको तो अप्रिशिएट करो. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज दिस इज आर्बिट्ररी. ये तो बिल्कुल ही एब्सोल्यूटली एम्बिग्यूस हो जाएगा, इट कैन बी मिसयूज. ऑल्सो कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स को अलग अलग नहीं पढ़ने चाहिए, दे आर ऑल कनेक्टेड टू वन अनदर. कुछ याद आ रहा होगा एके गोपालन केस में, एक्चुअली इसी की कंटेंशन ऑपोजिट थी, द फंडामेंटल राइट्स आर इन साइलोस. ओके, वो अलग अलग है, दे शुड नॉट बी रेड कनेक्टेड टू वन अनदर. हियर मैडम मनेका गांधी द पिटिशनर इज सेइंग नो, यू शुड कनेक्ट ईच ऑफ देम. सो लेट अस सी हाउ पासपोर्ट्स एक्ट ऑन द अदर ग्राउंड्स, ये उनकी प्रेयर थी, द पासपोर्ट्स एक्ट ऑफ 1967 violates the right to life and liberty and is therefore ultra-virus. In other words, it is unconstitutional and that is why, my lord, it should be declared as null and void and struck down. So, sir, state ne bhi to kuch bola hoga. Bilkul. So, state ne bola, jara constitution padh ke dekhte. Okay. Kya article 19 sub-clause 1 mein, hence all the freedoms, mein kahin bhi right to travel abroad likha hua hai? In other words, ऐसा कहीं भी आर्टिकल 19 सब क्लॉज में राइट टू ट्रैवल अब्रॉड नहीं लिखा हुआ है. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन लिखा हुआ है,
फ्रीडम ऑफ असेंबली लिखा है, एसोसिएशन लिखा है, मूवमेंट लिखा है, रेजिडेंस लिखा है, प्रोफेशन लिखा है, बट वेयर इज द वर्ड ट्रैवल अब्रॉड लिखा हुआ है? एंड दैट इज वाई अगर ये लिखा ही नहीं हुआ है तो फिर वाई शुड आई बी सो कॉल्ड प्रोवाइडिंग अ रीजन, गवर्नमेंट के ऊपर मजबूरी क्यों कि मैं रीजन दूं कि मैं तुम्हारा सो कॉल्ड ये राइट टू ट्रैवल अब्रॉड रोक सकता हूं? एंड दैट इज वाई आई एम नॉट बाउंड टू गिव दिस रीजन. सेकेंड, द स्टेट रिलाइड, द रिस्पॉन्डेंट स्टेट रिलाइड ऑन द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन द एके गोपालन केस, जिसमें क्लियरली वर्ड मैंशन था. आई होप यू वॉच दैट, एंड दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू वॉच दिस वीडियो जिसमें मैंने एके गोपालन केस समझाया हुआ है. गो बैक टू द फर्स्ट जजमेंट ऑफ द सीरीज एंड वॉच दिस, जिसमें मैंने एके गोपालन केस बताया. एके गोपालन केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला था दैट हम लोग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, द सब्सटेंटिव ड्यू प्रोसेस को नहीं देखेंगे, वी विल ओनली लुक एट प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ. तुम्हें याद होगा एके गोपालन केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसी वर्ड को बोला था दैट आर्टिकल 21 कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड इन द लाइट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस. ओके, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला था कि प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस वेग हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, एम्बिगस हो सकता है, हम ऐसे वेग चीज़ों पर रिलाई नहीं कर सकते इन कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन. और वहीं कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था द वर्ड लॉ जो होता है ना, वो जो लॉ है ना, वो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस वाला नेचुरल लॉ नहीं है, वो स्टेट मेड लॉ है. तो उस लॉ को हम इंटरप्रेट करेंगे, इट इज नॉट अलाउड टू डू व्हाट इज कॉल्ड एज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और सब्सटेंटिव ड्यू प्रोसेस, जो कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है. अगर तुम में से किसी लोगों ने ये एक एक उपालन केस नहीं देखा होगा तो मैं जो लग रहा होगा ना, वो ग्रीक एंड लैटिन लग रहा होगा. तो बेटा पॉलिटी पढ़ने के लिए बहुत सारे बेसिक्स समझने पड़ते हैं, ओके, वरना प्लेन ऊपर से निकल जाता है. राइट, सो मेक श्योर दैट यू फॉलो दिस प्रॉपरली. सो दिस वॉज वॉट स्टेट सेइंग. स्टेट सेड कि आर्टिकल 21 ऐसे तो इतना पूछ वाइड है, बट अगर आप सिर्फ ये इनडायरेक्ट इन्फ्रिंजमेंट को के बेसिस पे आप पूरा लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर कर रहे हो, आई डोंट थिंक दैट इज अ करेक्ट अंडरस्टैंडिंग. अंटिल अनलेस इट इज डायरेक्टली इन्फ्रिंजिंग आर्टिकल 14 एंड 19, यू शुड नॉट डिक्लेयर द पासपोर्ट लॉ एज अनकॉन्स्टिट्यूशन. तो बड़ा खतरनाक बात हो गया. क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ही जजमेंट 1950 में सुप्रीम कोर्ट ने ही बोला था कि वी विल ओनली लुक एट अ नैरो इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 21. एंड मनेका गांधी केस में आज जरूरत महसूस हो रही है कि दैट वी हैव अ वाइड इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 21. नाउ द स्टेट सेड कि इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग अपनी बात मत कीजिए, वो कहो, वो समझो जो फाउंडिंग फादर्स ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला था. फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के पास मौका था, दे कुड हैव यूटिलाइज द वर्ड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, लेकिन उन्होंने नहीं किया ना. अब बिकॉज नहीं किया तो लेट अस नॉट पुट इनटू दिस. So the conspicuous absence of due process of law from the constitutional provision reflects the minds of the framers of the constitution. This is what the state is saying. Very dangerous, sir. So what did the Supreme Court say, sir? Supreme Court ne ek landmark judgment diya. Unhone bola ki jab personal liberty word use karte na, it's a very broad word. Is umbrella mein bohut sari cheeze aa sakti hai. That could include locomotion and travel abroad. To tum ye nahi bol sakte hai that you can take away this and right to travel abroad और भूल जाओ कि यार ये exact words में mentioned ही नहीं है. Nothing doing. There can be interpretation of the word personal liberty and it will include travel abroad. Also, it is very very important that these rights cannot be taken out arbitrarily. Hence, you must follow procedure established by law. Also important part is that since आपने कोई ऐसा law ही नहीं बनाया, okay, जो रेगुलेट कर सके कि क्या राइट्स है इस मामले में. अगर पासपोर्ट्स इंस्पेक्टर तुम्हारे पास आ जाता है, पासपोर्ट्स एक्ट 1967 यूज़ कर देता है और तुम्हें पास कोई मेथड ही नहीं है टू आंसर हिम, यू आर नॉट हर्ड, तुम्हें कोई रीजनेबलनेस नहीं दिया, तुम्हें कोई रीज़न नहीं दिया गया, तुम्हें ऑडी ऑल्टराम पार्टम नहीं फॉलो करने दिया जाए, तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इसको 100% वायोलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 एज वेल एज आर्टिकल 21 माना जाएगा. सो द पॉइंट हेयर इज that since it is violating Article 21 and Article 14, we will not allow this to happen. Supreme Court ne also bola ki basic ingredient of principles of natural justice follow ho raha hai. Sir, ek minute. Are you trying to tell us something that Supreme Court is widening the interpretation of Article 21? 1001%.
तुमने एक लैंडमार्क इवेंट होते हुए देखा है। क्या मतलब? तो एक एक गोपालन केस जजमेंट जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था दैट द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ कैन नॉट लुक एट सब्सटेंटिव ड्यू प्रोसेस और अदर आर्टिकल 21 कैन नॉट बी सीन इन द लाइट ऑफ सब्सटेंटिव ड्यू प्रोसेस एज इट्स गिवन इन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ओवर रूल्ड। येस, ऑल्सो अनदर थिंग वॉज ओवर रूल्ड दैट नो आर्टिकल in the constitution is an island in itself. You have to read articles in connection with one another. And that is why there is a unique relationship between Article 14, 19 and 21. And you should read all together. Varna, AK Gopalan case ke basis par, agar ye karenge, to Article 14 alag, 19 alag, 21 alag, doesn't work to deliver justice. Oh my friends, that is why judicial interpretation hamesha ke liye is desh mein badal gaya. So the Supreme Court introduced formally the concept of due process of law without writing it in the constitution, but judicial interpretation now will involve even substantive due process. Itna important day in the judgment, in the judicial process, in the judicial evolution of India, the Maneka Gandhi versus Union of India case 1978. Na jaane kitne baar Maneka Gandhi case uske baad cite hua hai, and it has been such an important event in the interpretation of Article 21. Never forget Maneka Gandhi versus Union of India case. This will help you understand that Article 21 can be interpreted not only in the light of procedure established by law but also due process of law. Main guarantee se bolta hu, जितने लोगों ने अपने आप सेल्फ स्टडी किया होगा 90% ऑफ देम उनमें से फंसते चले गए होंगे, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। द रीज़न टू दैट इज कि तुम लोग इस ह्यूज अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा नहीं उठा रहे हो। जब हम क्लास में पढ़ते हैं तो एक एक वर्ड को अलग अलग तरीके से स्टोरीफाई करके, सिंप्लीफाई करके, हिस्टोरिकल फैक्ट्स में पढ़ा जाता है, तब ये सब्जेक्ट समझ में आते हैं। और ये तभी ये इस तरह के कमेंट्स आते हैं। ओके, ये कमेंट्स दिल से आ रहे हैं, जैसे मेरा दिल से निकलता है एक इच्छा कि मेरे सब लर्नर्स अपने अपने मंजिलों तक पहुँचे, वैसे ये इन लर्नर्स के दिल से निकलता है। व्हेन दे आर यूजिंग द वर्ड गॉड ऑफ पॉलिटी, किंग ऑफ पॉलिटी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, यू मेड लाइफ सिंपल एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। सो माई फ्रेंड्स, अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी इज फॉर यू। मेरे पास ऑल्सो आई ऑलवेज शेयर थिंग्स विद यू विच आर कंटेम्प्रेरी, विच आर करेंट। तो मैं ऐसे वीडियोस बनाता जाता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया चाइना फेस ऑफ एक करंट अफेयर्स हुआ तो मैं शेयर करूंगा। द लक्ष्मीकांत जिन लोग पढ़ रहे हैं, दिस इज़ अ वेरी ऑसम कोर्स। यू कैन वॉच द एंटायर 100 आवर्स ऑफ लक्ष्मीकांत समरी, इंट्रोडक्शन टू समरी कोर्स फॉर लक्ष्मीकांत पॉलिटी। दिस इज अमंगस्ट द मोस्ट वायरल ऑफ लक्ष्मीकांत कोर्सेज, इनफैक्ट पॉलिटी कोर्सेज ऑन यूट्यूब। मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूज हो गए, एंड आई एम श्योर यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ दैट ऑल्सो। बट अगर तुम्हें रॉक सॉलिड प्रिपरेशन करनी है और देखना है कि क्या होता है 24-कैरेट प्रिपरेशन, आई वेलकम यू ऑन माई प्लस क्लासेस। किसी की बातों में मत आना बेटा, कोई टाइम पास मत करना। देयर इज लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वैल्यू टू बी गेन्ड। यूज द कोड सिडलाइव SIDLIVE एंड यू कैन सी चेक आउट फॉर प्लस आइकॉनिक एज वेल एज ऑप्शनल कोर्सेज। इन द वर्ड्स ऑफ अन अकेडमी, लेट्स क्रैक इट। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गॉड ब्लेस एंड थैंक यू।